आई एवरी वन सो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास ट्वेल्थ बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है सी बी एस सी बोर्ड आई सी एस सी बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड से लगभग सभी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं टेंथ एंड ट्वेल्थ लेवल के वो कैंसिल हो चुके हैं अब बात आती है कि रिज़ल्ट किस तरीके से अनाउंस किया जाएगा और कब तक ये रिज़ल्ट आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुआ किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपके रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम टू वीक का टाइम दिया गया है जितने भी बोर्ड से सभी बोर्ड को और इन दो वीक के अंदर ही इन्हें यह डिसाइड करना होगा कि कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए अब यहाँ पे बात आती है कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अब तक की जो बताया गया है क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है टू वीक्स के बाद ही एक ऑफिशियली जो एन जो सी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है एन पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी सी, सी बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाले थे आ, वो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं बाकी जो पर्टिकुलर आ, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो उसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो आपको अनाउंस किया जाएगा बट टू तो वीक्स के बाद ही ये अनाउंसमेंट आएंगी लेकिन तब तक जो भी एक्जेंशनस से वो हम लोग देख सकते हैं बाकी जो सी बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि मेनली जो दो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं वो ये है कि आपकी जो टेंथ है टेंथ के जो एग्ज़ाम्स हुए थे जो फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड वाले उस मार्क्स के बेसिस पे आपके ट्वेल्थ के रिजल्ट्स आ सकते हैं दूसरा क्राइटेरिया है आपके जो ट्वेल्थ में इंटरनल असेसमेंट्स हैं यानी कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ट्वेल्थ में आ, बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हाफ ईयरली जो भी होता है ठीक है उन सभी एग्जाम्स के बेसिस पे या उसके एवरेज के बेसिस पे आपके फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे तो इन दो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आपके रिज़ल्ट अनाउंस किए जा सकते हैं बट ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है ठीक है और एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे आ, उसको हर एक पैरामीटर के बेसिस पे या हर एक चीज को देख के आपके रिजल्ट्स देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से डिसटिस्फाइड हो और अगर ऐसा होता भी है लाइक आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप अपने रिजल्ट से आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है लगता है आपको कि आप इससे ज़्यादा इससे बेटर मार्क्स आप ला सकते हैं तो उसके लिए भी आप री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये जो री एग्जामिनेशन है ये तभी पॉसिबल है जब कोविड नाइन्टीन सिचुएशन सही होगा और उससे पहले ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता सो so बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है वो यही चाहेगी कि मैक्सिमम uh, जो स्टूडेंट्स हैं उसके रिजल्ट सही आए और अच्छे आए ताकि वो री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई ना करें ठीक है तो जितना कम स्टूडेंट री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेगा उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि वो अच्छे से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा पाए ठीक है सो जब तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं एंड आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगी uh, मैं आपको इस चैनल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि, कि किस तरीके से आपके रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे और कब तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे ठीक है तो बस वेट कीजिए और तब तक आप चाहो तो जो भी नीट और जेई मेंस और क्लैरिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि आपके रिजल्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा वो किस तरीके से होगा किस बेसिस पे होगा जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा और नहीं भी है तो फाइनली आपके पास ये ऑप्शन है कि आप री के लिए अपेयर हो सकते हैं ठीक है सो जिस भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और आ, अगर कोई ऐसा है जिसे अपने ट्वेल्थ के बाद क्या करना है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो ट्वेल्थ के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है पीसीएम पीसीबी कॉमर्स आर्ट के बाद तो उन सभी पे वीडियो है आपको आ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आ, मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी कॉलेज़ के जो टॉप कॉलेजेस है जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है उसके बारे में भी आप तब तक रिसर्च कर सकते हैं ताकि आप उस कॉलेज में जाने के लिए जो भी क्राइटेरिया है जो भी एग्जाम्स है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सको ठीक है तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और यस yes, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहां पे आप हमें डीएम कर सकते हैं सो so, आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच एंड टेक केयर